अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर साइंस का चैप्टर टू का पार्ट थ्री समझेंगे, पैरासाइट प्लांट्स एडेप्टेशन फॉर फीडिंग। इसमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से प्लांट्स अपने आप को बदल लेते हैं खाने पीने की आदतों की वजह से। तो इसमें सबसे पहला है पैरासाइट प्लांट्स। सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, द ग्रीन पिगमेंट जो कि ग्रीन पिगमेंट है, सो दे के नॉट मेक देयर ओन फूड, वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते हैं। दे टेक फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स, वो दूसरे प्लांट से अपना खाना लेते हैं। दे डेवलप सकर्स, वो अपने अंदर सकर्स चूषक डेवलप कर लेते हैं, चूसने वाली चीजें, टू ड्रॉ फूड, खींचने के लिए खाने को फ्रॉम द होस्ट प्लांट, जो मेजबान प्लांट होता है उससे अपना खाना खींचने के लिए। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सम प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स दैट मेक फूड फॉर देम, कुछ प्लांट्स की ग्रीन पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, जो अपना जो उनका खाना खुद बनाती हैं। बट दे डू नॉट गेट ऑल द मिनरल्स, लेकिन उन्हें पूरे मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, सो दे ट्रैप इंसेक्ट्स, तो वो प्लांट्स को इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। एवरी लीफ ऑफ वेनस, वेनस की जो हर लीफ होती है, पत्ती होती है, फ्लाई ट्रैप हैज टू फोल्डिंग हाफ्स, उसके जो फ्लाई ट्रैप होता है मक्खी पकड़ने वाला, कीड़े पकड़ने वाला, वो दो टुकड़ों में, दो फोल्ड में होती है। When an insect sit on it, जब कोई कीड़ा इस पर बैठता है, the two halves fold, press and absorb it, तो दो half fold जो होते हैं वो press हो जाते हैं और उसे absorb कर लेते हैं insect को। Leaf ends of the pitcher plant are shaped like a pitcher and its lid, जो leaf end होता है, पत्ती का सिरा होता है pitcher plant का, are shaped, उसका shape ऐसा होता है like a pitcher, एक pitcher की तरह होता है, and its lid, और उसके ढक्कन की तरह होता है, जैसे कि एक सुराही और उसका एक ढक्कन होता है, इस तरीके से होता है। Whenever an insect enter the pitcher, जैसे ही पिचर में कोई इंसेक्ट एंटर होता है, the lid close, तो उसका ढक्कन, lid जो है वो बंद हो जाता है। आगे देखते हैं, next देखिए, adaptation for protection, सुरक्षा के लिए कुछ बदलाव करते हैं पेड़ पौधे अपने अंदर। Some plants like lemon, जैसे कि नींबू, कीकर एंड कैक्टस, बियर थॉर्न्स, उनमें कांटे होते हैं, दिस प्रिवेंट द एनिमल टू ईट देम, उन्हें जानवर न खाएं इसलिए वो ऐसा करते हैं। सम प्लांट्स आर पॉइजनस, कुछ प्लांट जहरीले होते हैं, सो एनिमल्स डू नॉट ईट देम, तो जानवर उन्हें नहीं खाते हैं। ट्रीज आर एबल टू रिपेयर देयर डैमेज पार्ट्स, ट्रीज अपने डैमेज पार्ट्स को रिपेयर कर सकते हैं। दे ग्रो अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग, वो हार्ड कड़ी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग कवर अपने ऊपर ग्रो कर सकते हैं ओवर द डैमेज्ड सॉफ्ट टिश्यू, जो डैमेज हिस्सा होता है उसके ऊपर। नेक्स्ट, एडेप्टेशन फॉर सीड डिस्पर्सल, अपने बीजों को फैलाने के लिए कुछ अडेप्टेशन करते हैं प्लांट्स, वो क्या होता है देखिए। अ फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूसेस मेनी सीड, एक फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, फूल वाला पौधा, बहुत सारे सीड्स बनाता है। इफ ऑल द सीड्स फॉल नियर द मदर प्लांट, अगर सारे के सारे बीज मदर प्लांट के करीब में ही गिर जाएंगे, दे शैल गेट लिटिल स्पेस, तो उन्हें ज्यादा स्पेस नहीं मिल पाएगा, वाटर नहीं मिल पाएगा, मिनरल नहीं मिल पाएंगे, सनलाइट नहीं मिल पाएगी ग्रो करने के लिए। सो प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू मेक देयर सीड्स एज टू सूट देयर डिस्पर्सल टू डिस्टेंस प्लेसेस, तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप में कुछ ऐसे बदलाव करते हैं ताकि उनके बीज दूर दूर के क्षेत्रों में फैल सकें। देयर दे गेट मोर स्पेस, ताकि उन्हें मोर स्पेस, ज्यादा जगह मिल सके फैलने के लिए, वाटर मिल सके, सनलाइट मिल सके। सीड डिस्पर्स बाय बर्स्टिंग एयर, वाटर एंड एनिमल्स, तो सीड जो है डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं चार तरीकों से। पहला तो होता है बर्स्टिंग, ब्लास्ट होता है एक एयर, हवा के जरिए, वाटर पानी के जरिए, और एनिमल जानवरों के जरिए। डिस्पर्सल बाय बर्स्टिंग क्या होता है देखिए, व्हेन द पी एंड ब्लॉसम बॉल्सम पॉड्स ड्राई अप, जब मटर और बॉल्सम पॉड सूख जाते हैं, दे बर्स्ट सडनली, उनमें ब्लास्ट होता है, दस देयर सीड स्कैटर टू अ डिस्टेंस, तो उनके जो बीज हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एयर, हवा के जरिए कैसे फैलते हैं। सम सीड्स लाइक मिल्क वीड, डेंडेलियन एंड कॉटन हैव टाइनी हेयर ऑन देम, कुछ सीड में कुछ टाइनी हेयर्स होते हैं इनके जैसे। सीड्स ऑफ ड्रम स्टिक हैव पेपर विंग्स, उनके पर जैसे होते हैं कुछ हल्के हल्के से। द हेयर एंड विंग्स, हेयर और विंग्स जो होते हैं, हेल्प द सीड टू बी इजिली ब्लोन विद द विंड, वो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं हवा में। जैसे देखिए, ये पी है मटर, ये ऐसा ब्लास्ट होता है, बीज फैलते हैं। ये बालसम है, इस तरीके से ब्लास्ट होता है। मिल्कवीड में देखिए, इस तरीके से रूए होते हैं, ये हवा में उड़ जाता है। और ड्रम स्टिक, इसमें भी ये हवा में उड़ने की सलाहियत होती है, ये दूर चले जाते हैं उड़कर और फिर वहां नया प्लांट बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी के जरिए कैसा होता है। सीड ऑफ लोटस आर हेल्ड बाय अ फ्लैशी स्टॉक, लोटस जो कमल है उसका बीज कैसा होता है, उसमें फ्लैशी स्टॉक होता है ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का, विच फ्लोट्स लाइक अ बोट, जो नाव की तरह पानी में तैरता है।
एंड कैरीज द सीड्स फार अवे, और उसके बीजों को दूर तक तैरते हुए ले जाते हैं बोट में रखकर। फाइबरस कोट ऑफ इट, इसका फाइबरस कोट जो होता है मेक्स इट लाइट टू, इसे हल्का बना देता है। कोकोनट फ्लोट इन द सी, समंदर में कोकोनट फ्लोट करता है बिफोर रीचिंग द कोस्ट टू ग्रो देयर, कोस्ट में समंदर के किनारे पर पहुंचने से पहले बहुत दूर दूर तक समंदर में तैरते हैं। हार्ड शेल प्रोटेक्ट द सीड अगेंस्ट डैमेज बाय रॉक्स, जो हार्ड शेल होता है नारियल का कोकोनट का, वो उसे बचाता है डैमेज होने से। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, अब एनिमल्स के जरिए कैसे डिस्पर्सल होता है। सम प्लांट्स प्रोड्यूस टेस्टी फ्लैशी एंड जूसी फ्रूट्स, कुछ प्लांट्स में टेस्टी फ्रेशी जूसी फ्रूट्स उगते हैं टू अट्रैक्ट एनिमल्स, एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। दे कैरी द फ्रूट्स विद देम एनीवेयर, और ये फ्रूट जो है वो कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। दे ईट उसे, वो उसे खाते हैं, द फ्लैशी और जूसी पार्ट, जूसी और फ्लैशी पार्ट्स को वो खा लेते हैं। एंड थ्रो अवे द अनएडिबल सीड, जो बगैर खाने लायक जो बीज होता है उसे वो दूर फेंक देते हैं। सम सीड्स एंड फ्रूट्स हैव हुक्स, कुछ सीड में फ्रूट्स में हुक होते हैं और स्टिफ हेयर, स्टिफ हेयर होते हैं। दे क्लिंग टू एनिमल्स, वो जानवरों में चिपक जाते हैं। एंड गो टू डिस्टेंस वेयर द एनिमल्स गो, और दूर दूर चले जाते हैं जहां तक जानवर जाता है। चलिए हम खुलासा देखते हैं अब इस चैप्टर का। नाउ यू नो, अब हम जानते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, द नेचुरल लिविंग प्लेस और एनवायरमेंट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, जो नेचुरल लिविंग प्लेस होता है और एनवायरमेंट होता है प्लांट के लिए वो उसका हैबिटेट कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स टू सूट देयर हैबिटेट और फॉर सर्वाइवल, जो अपना प्लांट का जो हैबिटेट होता है उसको सूट करने के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। प्लांट्स हैव डिफरेंट फीचर्स, प्लांट्स में बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स होते हैं टू सूट देयर नेचुरल सराउंडिंग, उनके आसपास के माहौल को सूट करने के लिए। इन द प्लेन्स प्लांट्स हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस, प्लेन जो होते हैं आमतौर से जो चपटे जमीनी हिस्से होते हैं जहाँ पहाड़ या दलदल या समंदर नहीं होता है उन्हें प्लेन्स कहते हैं। उनमें जो पेड़ होते हैं उनकी ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, और इन वेरी हाई माउंटेन एरिया, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में प्लांट्स हैव नीडल लाइक लीव्स, नुकीली पत्तियां होती हैं। इन डेजर्ट रेगिस्तान में प्लांट्स हैव नो लीव्स एट ऑल, उनकी पत्तियां नहीं होती हैं। एक्वेटिक प्लांट्स पानी में रहने वाले पौधे हैव स्पेशल फीचर्स, उनके स्पेशल फीचर्स होते हैं टू हेल्प देम फ्लोट, तैरने के लिए मदद करते हैं वो उनको स्टे अंडर वाटर या पानी के अंदर रहने के लिए। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, जो कुछ कीड़े खाने वाले प्लांट हैं वो कीड़े खाते हैं। सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स, कुछ प्लांट्स में कांटे होते हैं टू प्रिवेंट एनिमल्स टू ईट देम, उन्हें जानवरों से खाने से बचाने के लिए। प्लांट्स हैव अडैप्टेड टू मेक देयर सीड्स, प्लांट्स उनके सीड को अडैप्ट करने, प्लांट्स अपने अंदर बदलाव करते हैं उनके बीजों को दूर तक डिस्पर्स करने के लिए, फैलाने के लिए, टू डिस्टेंस प्लेसेस, दूर तक, टू गेट मोर स्पेस वाटर एंड सनलाइट, ताकि उन प्लांट्स को ज्यादा ज्यादा स्पेस वाटर एंड सनलाइट मिल सके। ये चैप्टर आपका यहाँ खत्म होता है इंट्रोडक्शन। टाइम टू आंसर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।